हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम फैमिली ब्लॉग में। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही भल्लों की रेसिपी। तो अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दही भल्ले जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये ना तो मूँग की दाल के हैं ना ही उड़द दाल के। ये मैं आज बनाऊंगी चौरा की दाल की दही बड़े, जो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी एंड मजे दाल बन के तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 घंटे भीगी हुई चौरा की दाल जो होती है वो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये फूल गई है, कितनी अच्छी तरीके से भीग गई है, देख सकते हैं आप। ये दाल जो होती है, इसके जो बड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम मिक्सी जार में इसको हम इसका फाइन पेस्ट, एकदम महीन वाला पेस्ट इसका बना कर पीस लेंगे। तो अब हम इसमें देख सकते हैं मिक्सी जार में ये दाल को डाल दिया है। ये साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने फाइन पेस्ट बनाकर इसका रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे तरीके से पिस चुकी है, एकदम महीन पेस्ट बनकर इसका तैयार हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि जो हम इसको फेरने में इसको हमें आसानी हो। तो ये मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चुटकी हम जो खाने वाला मीठा सोडा आता है वो ऐड करेंगे, और थोड़ा सा छोटी चम्मच एक लाल मिर्च और साबुत सौंफ थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार कंटिन्यूसली फेटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको फेटना है, और साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसको पानी डाल के इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से फेटना है। इस तरीके का पेस्ट आप बना के तैयार कर लीजिए। देखिए ये कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये बड़े बनाने के लिए तेल को गरम करके कढ़ाई में, तो इस तरीके से हम इसमें एक एक करके जो हमारे जो बड़े हैं दाल के वो उसमें हम डालते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें सारे जो कढ़ाई में सारे जो हैं वो डाल दिए हैं। इस तरीके से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक आपको सेक लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से सिक रहे हैं, और अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं बनके हैं, जो हमारे जो बड़े हैं वो तैयार हुए हैं। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े बनाए हैं। आप इसका छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ तैयार रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में पानी ले लिया है, इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर नमक डालूँगी। नमक के साथ ही मैं यहाँ पर इसमें जो पकौड़ी बनाई थी, जो बड़े बनाए थे हमने, वो इसमें हम डाल देंगे भीगने के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट के बाद ये हमारे जो पड़े हैं वो अच्छे से इसमें भीग जाएंगे जो पानी में। तब तक हम इसका जो दही है वो फेंट कर तैयार कर लेते हैं। दही बड़ों में दही की तो ज़रूरत होगी ही, तो इसीलिए हम इसको दही में फेंट के हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से हमें बिल्कुल दही को बिल्कुल फेट लेना है एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा जो दही है वो फेट कर तैयार हो गया है। और ये बड़े थे हमारे, उनको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पानी में भीगे हुए। तो ये देख सकते हैं आप कि पकौड़ी जो हमारे पड़े हैं उन्होंने पानी सारा अपने अंदर सोख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट रेडी करेंगे, इसमें बना के दही बड़ों को प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी थोड़ा सा इसका निकाल के एक बाउल में 4 से 5 बड़े जो हैं हम इसमें निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दही, खूब सारी दही आपको इसमें डालनी है। के साथ ही हम यहाँ पे मीठी वाली जो चटनी आती है अमचूर की, वो ऐड करेंगे।
ये चटनी मैंने जो है वो घर में ही बना के रेडी की है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने दही में नमक नहीं डाला था, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर से डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो दही बड़े हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने स्वादिष्ट एकदम टेस्टी लग रहे हैं ये देखने में। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बनके हमारे जो बड़े हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार में ही जो दही मुँह में घुल जाने वाले हैं, ये जाते ही मुँह के अंदर जाते ही ये अंदर घुल जाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से ये हमारे जो दही बड़े हैं वो बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।